अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, घंटी का दबा देंगे तो आप लोगों को मेरी हर आने वाली नई कराची के मौसम का ऐसे अपडेट्स बर वक्त मिलती रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं कराची के मौसम की, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि कराची में जुम्मे हफ्ता एतवार के करीब जुम्मे हफ्ता एतवार के दिन कराची के करीब गर्जन के तूफान बनेंगे। तो आज हमने देखा कि कराची के करीब कीर्तन के पहाड़ियों पर बनने वाले ठंडे स्टॉर्म कराची में दाखिल हुए कमज़ोर शिदत के साथ, जिसकी वजह से कराची के काफ़ी इलाकों से हमें गर्जन के साथ कई हल्की कई दरमियानी तो कई तेज़ बारिश की इतला मौसम हुई। इस दौरान आंधी की भी इतला मिली, जिसमें बैरिया टाउन, गुलशन मेहमान, साड़ी टाउन, गुलशन इकबाल और मेरे इलाके जौहर में भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई है। जबकि कराची के बाकी इलाकों से भी हमें इवन के जनूबी इलाके, जिसमें डीएचए और डीएचए के इलाके जो शामिल है, बल्लिया टाउन के इलाके शामिल है, यहाँ से भी हमें तेज़ बारिश की इतला मौसूल हुई। हालांकि थंडरस्टॉर्म सिर्फ कमज़ोर शिदत के साथ दाखिल हुए थे, अगर हम इसको सरप्राइज थे कराची वालों के तो ये गलत नहीं होगा। वैसे आज कराची में इम्कान काफ़ी कम थे। कराची में जैसे हम आप लोगों को बताया था कि इम्कान जो है वो कल 22 तारीख को सबसे ज़्यादा होंगे। अब कल कराची में क्या सूरत हाल रहेगी इस पर हम बात कर रहे थे। इस वक्त हमने देखा कि बारिश के बाद मौसम बेहतर हुआ, तमाम इस वक्त भी गर्मी की शिदत बरकरार और हफ्स की कैफियत मौजूद है। कल भी कराची में दिन का आगाज़ शदीद गर्म और मरतूब मौसम से होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर आज की तरह 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि फील लाइट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों को ज़्यादा ही महसूस होगा। गर्मी की शिदत आने वाले दिनों में भी कराची में बरकरार रहेगी और जो टेम्परेचर है वो एक्चुअल जो टेम्परेचर है वो 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ही रहने के इम्कान मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं कराची में कल कैसा मौसम रहेगा, कल कराची में बारिश के इम्कान कब है। तो कल कराची में बारिश का जो दौरानिया है वो दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे के दौरान होगा। इस दौरान भी कराची में आज की तरह ही गरज चमक के तूफान या थंडरस्टॉर्म कराची करीब तशरीफ पाएंगे। गरज चमक के बादलों की सिंध कराची ही रहेगी, तो हमें उम्मीद है ये पूरी शिदत से कराची में दाखिल होंगे। शिदत आज के मुकाबले में कल अच्छी रहने के इम्कान मौजूद है। इस दौरान कल कराची में दोपहर से लेकर शाम के अवकात में मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने के इम्कान मौजूद है। जिन इलाकों में बारिश की जगह ज़्यादा रहेगी और बारिश के ज़्यादा इम्कान है उनमें कराची के शुमाली, मशरक़ी और मजाफाती इलाके काबिल जिक्र है, जबकि कुछ जनूबी और कुछ वस्ती इलाकों में भी बारिश होने के इम्कान मौजूद है। जिन इलाकों में बारिश की ज़्यादा शिदत और ज़्यादा इम्कान हैं उनमें स्कीम 10 नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, साड़ी टाउन और जो मले का इलाके हैं, जो कराची के शवाब मशी के इलाके, गडाब टाउन, गुलशन मेमा, बैरिया टाउन के M9 मोटरवे के जो इलाके हैं, यहाँ पे गरज चमक के साथ दरमियाई से तेज़, जबकि कराची के कुछ जनूबी और कुछ वस्ती इलाकों में भी हल्की से दरमियानी बारिश होने के इम्कान मौजूद है। जबकि जनूबी इलाकों में और वस्ती इलाकों में बारिश का जो इंतज़ार होगा वो थंडरस्टॉर्म की शिदत पे होगा। हम थंडरस्टॉर्म को मॉनिटर करेंगे, आप लोगों के साथ बराबर अपडेट शेयर करते रहेंगे। जबकि परसों 23 तारीख को भी कराची के करीब बादल बनेंगे, जिससे कराची में बारिश होने के इम्कान रहेंगे। तमाम ज़्यादा चांसेस कराची में कल ही रहने के इम्कान मौजूद है। जबकि गर्मी की शिदत में भी आने वाले दिनों में कमी का इम्कान है, जबकि बल्कि इजाफा ही होगा और हफ्स की कैफियत कराची में आने वाले दिनों के दौरान भी जैसे मैं आप लोगों को शुरू में बताया बरकरार रहेगी। जबकि कराची में इस दौरान गर्मी की शिदत में कमी वाक़ होने के इम्कान मौजूद हैं। जबकि हम कराची में थंडरस्टॉर्म के वास्ते नाउकास्ट आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे कम्युनिटी पोस्ट के जरिए भी, तो कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप लोग अलर्ट रहिएगा। मजीद कराची के मौसम के वास्ते अपडेट्स देखने के लिए हमारे साथ हैं। तब तक के अल्लाह हाफिज़, साथ दिन फिर मिलेंगे।